अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। आज मैं शूट कर रही हूँ इस ड्रेस का, और इस ड्रेस का क्योंकि काफ़ी अरसे से पेंडिंग था। सुहेल अंकल जो है वो मेरी एक साड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि ये रख के हमेशा भूल जाते हैं। इन्होंने सारे कपड़े समेटे और वो एक जगह पे कहीं डाले और ये रख के भूल गए। सोच रही हूँ लेंस लगा लूँ ताकि मैं सैलून जाऊँ कि सैलून पर ही शूट है। मैंने फोटोग्राफर्स को 6 बजे का टाइम दिया और मुझे 4:30 यहीं पे हो गए हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि लेंस लगाकर सैलून से ही रेडी हो जाऊँ, हेयर डू मेकअप सब कुछ वहीं से करवाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे पता नहीं चला कि ड्राइवर आ गए हैं और मेरी खाला भी आई हैं, तो वो वेट कर रही हैं नीचे, वरना चलो जी चलो चले। सैलून में आ गई, अब पहले मैं वॉश करवाऊँगी और वॉश के बाद मेकअप कर दो स्टार्ट। मेकअप मेरा हो गया है, अब हेयर डू कर रही है बक्तावर। जब बाल छोटे होते हैं तो ये चीज काम आती है। आई एम ऑल सेट, शूट पे चलते हैं। हाँ आज मेरी शूज रह गई हैं, शूज भी होंगी ना। दिस इज द ड्रेस आई एम वेयरिंग, ठीक है। मेरे फोटोग्राफर्स आ चुके हैं। जिशान भाई नहीं आए, मैं हर शूट उन्हीं से करवाती हूँ, मुझे उनका शूट बहुत पसंद आता है। खैर इस वक्त ये लोग आए हैं तो इनके साथ कर लेते हैं, ये उन्हीं की टीम है और ये भी बहुत अच्छा शूट करती है। बिल्कुल एंड हो गया मेरा। दिया मैंने और अब इसमें शूट होगा और उसके बाद में फ्री हो जाऊंगी। आगे करवा दो ना सारी कर्टन्स, आगे करवा दो। कासिम भाई को, कासिम भाई ऊपर ये वाले कर्टन्स सारे हो जाएंगे, सारे आगे कर दो। ये कितना लंबा है ना। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू भाई। वो कुछ पढ़ा हुआ है आपके पास? ये चल चलेंगे तो ये भी शूट में आ जाएंगी। अच्छी लगेंगी। ठीक है, ओके। ये भी ले लेता इसमें ना कैंडल्स रखते हैं, ये रख लेंगे ना, ये वाली ये वाइट वाली। हां जी हां जी, आपकी तो वाइट आपको ये भी तरफ नहीं होगी। काशे भाई वो जज्बे से बोल रहे काजी भाई काम करें। रुकेगा
शूट मेरा हो गया है और मेरे मैजिकली बाल लंबे हो गए हैं और वो लोग रख रही हैं वापस ऑफिस में। मैंने सोचा है मैं पेडिक्योर करवा लेती हूँ मेरे छोटे छोटे बाल जो कि मैंने क्या करवाया था इनका बैंग्स करवाए थे। मैं वैसे सोच रही हूँ कि अब ना लंबे बाल रख लूँ मैं, अच्छे लगते हैं। नहीं इनसे जब मैं करवाती हूँ ना ये सिर्फ मेरे कपड़े ख़राब करती है, कपड़े ख़राब करती है। तुम करती हो ना, तुमसे करते ना हमेशा मेरे कपड़ों को जान के करती है ये। मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो बहुत। सैलून बंद हो गया है और तेरा इसी कासिम भाई पापा मामा आए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि हम बाहर से कुछ खा लेते हैं। खाला भी आई हुई है और मैंने बाल टाई करवा लिए थे। मैं मामा को बनाऊंगी कि लेट्स ईट फ्रॉम आउटसाइड, लेट्स सी क्या कहती हैं वो। अच्छा जी अब मैं जा रही हूँ मामा और खाला के साथ। मैंने उन्हें कहा है, मैं नज़र आ रही हूँ मैंने उन्हें कहा है कि मुझे मैकडोनल्ड्स या कुछ बाहर से खिला दे, मैं नज़र ही नहीं आ रही। हाँ रोशनी आई, कोई गाड़ी आ गई। मैकडोनल्ड्स हम सब खाएंगे क्या? आपने ले तो लिया ये? ये तो रिशा के लिए लिया है मैंने। अच्छा यार ठीक है, नान कबाब ओके। मैं आ गई हूँ मैकडोनल्ड्स, ये मेरे कपड़े खाला और मामा के साथ। नहीं उन्होंने खत्म कर, मेरी गाड़ी के नीचे ना आ जाइएगा, मुझे तो जाने दें। उन्हें देना है, मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसा करें सर, इधर एक स्पाइसी मिक क्रिस्पी कर दे विद मील अपसाइज, ठीक है, साथ मिक बाइट्स कर दे और चीज डिप। चीज करना है, चीज डिप यस। और बस मुझे भी ले दो सर। आपने क्या, और एक आइसक्रीम करवा दो। मिक अरेबिया खाएंगी मैम? नहीं नहीं मैं बर्गर लूंगी। ये दो कर दें, स्पाइसी मिक क्रिस्पी दो कर दें और एक आइसक्रीम कौन सी, वनीला संडे वनीला कर दें। संडे टॉपिंग कौन सी लेंगी, चॉकलेट टॉपिंग के साथ? ये काफी है मेरे ख्याल में। ओके थैंक यू। अच्छा सर बात सुने, डाइट कोक और वो सेवन अप ना, और कोक ही हो, डाइट डाइट होती है। और वो सो के साथ मामा ने उन्हें आइसक्रीम ले दी, मासा ने बर्गर खाना। नहीं नहीं मैंने उसे बहुत दफा पूछा, आज मैंने बहुत दफा पूछा, मैं नहीं मानी। फोन देखो किसका? पापा। अस्सलाम वालेकुम जी पापा, वो भेज रही हूँ कि अल्लाह हाफिज जी। नहीं आप लोग खा लें, हम खा कर आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह रसूल किस पर। ओके मेरा मैकडोनल्ड्स मासो की आइसक्रीम कैंसिल करके उन्हें भी बर्गर मिल गया। मामा फ्राइज नहीं खा रही क्योंकि शी इज ड्राइविंग एंड नाउ वी आर गोना हेड बैक होम। आई एम बैक होम और आई एम गोना टेक ऑफ माय मेकअप देन आई एम डन। आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।